हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अभी के वीडियो में मैं लेकर आया हूं एनएचएम में आई वैकेंसी के बारे में जानकारी, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन और एज व सैलरी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं एनएचएम में आई वैकेंसी की। पोस्ट का नाम है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसका मतलब है सचिवी सहायक, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर की डिग्री। कंप्यूटर डिग्री में आपके पास माना जाएगा डोएक का सर्टिफिकेट या बी या बीटेक किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, बीसीए, पीजीडीसीए, ये आपके सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होंगे। और एज लिमिट रखा गया है इसमें 64 वर्ष, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस है वो है स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद आपका एक कौशल परीक्षा किया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो होगी 13,500 रुपये। तो एक बढ़िया मौका है आपके पास ऐसे एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। सवाल ये है कि इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इसे अप्लाई करना है ऑनलाइन तरीके से, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। तो जाइए और 26 अप्रैल 2022 ये इसका लास्ट डेट है, उस डेट से पहले आप इसमें अप्लाई कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।